ओके स्टूडेंट्स, कल हमने क्या किया था? कल हमने फाइलम नाइडेरिया शुरू कर दिया था। नाइडेरिया में हम नाइडोब्लास्ट के बारे में पढ़ रहे थे। नाइडोब्लास्ट आर द सेल्स दैट आर द पॉइजनस सेल्स प्रेजेंट इन द नाइडेरियंस। नाइडोब्लास्ट आर द स्टिंगिंग सेल्स विद द पॉइजन फिल्ड कैप्स्यूल कॉल्ड नेमाटोसिस्ट। Nidoblast is used for anchorage defense and to capture the prey. मतलब वो anchorage के लिए भी use किया जाता है, predator को भगाने के लिए भी use किया जाता है and prey को भगाने prey को capture करने के लिए भी use किया जाता है. Now apart from that, let us read about gastrovascular cavity cilentron. देखो वैसे तो नाइडेरियंस क्या है? नाइडेरियंस आर ए सिलोमिक ऑर्गेनिजम्स। इनमें सिलोम प्रेजेंट नहीं है, बट सिलेंट्रन इज प्रेजेंट एंड वी हैव सीन दैट डाइजेस्टिव सिस्टम है जो नाइडेरियंस का, दैट इज इनकम्प्लीट। इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब है कि इनमें सिर्फ एक ओपनिंग प्रेजेंट है, आइदर माउथ और एनस, मतलब एक ही ओपनिंग है। वो क्या करती है? वही एज माउथ एक्ट करती है एंड वही एज एनस एक्ट करती है। सो जो माउथ या एक ही जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है नाइडेरियंस में, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हाइपोस्टोम। दिस इज अ पॉलिप एंड द मेड्यूसा। ये पॉलिप है, पॉलिप में ऐसे यहाँ इस वाली साइड पे हाइपोस्टोम प्रेजेंट है। लेट मी इंडिकेटेड अगेन, ये दिस वाला जो पार्ट है, ये वाला पॉलिप का माउथ है एंड ये वाला मेड्यूसा का माउथ है। एज वी हैव सीन की पॉलिप एंड मेड्यूसा है, ये दो लाइफ फॉर्म्स है, ये दो बेसिकली ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ नाइडेरियंस है। नाउ पॉलिप एंड मेड्यूजा फॉर्म की बात करते हैं इन डिटेल। दीज आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म्स इन नाइडेरियंस। पॉलिप इज अ ट्यूब्यूलर अटैच्ड एसेक्सुअल फॉर्म। हमने पढ़ा था कि पॉलिप जो होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड अपवर्ड डायरेक्शन में इनके माउथ एंड टेंटिकल्स होते हैं। इनके जो ये जो है ये है टेंटिकल्स, ये जो है ये है माउथ। मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में अपने माउथ एंड टेंटिकल्स को लेके इस तरीके में अलाइंड होते हैं। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड एडेमजिया। मेड्यूजा इज अम्ब्रेला लाइक। ये देखो बिल्कुल मेड्यूजा आपको अम्ब्रेला की शेप की तरह दिख रहा है। अम्ब्रेला लाइक फ्री स्विमिंग सेक्सुअल फॉर्म। ये क्या है? मेड्यूजा इज अ सेक्सुअल फॉर्म और इसकी जो है माउथ एंड टेंटिकल्स दीज आर डाउनवर्ड अलाइंड। ये डाउन डाउन की तरफ, नीचे की तरफ अलाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑरेला, ऑरेला इज नोन एज द जेली फिश। ये है रियल में, ये है एडेमजिया। एडेमजिया को आप देख सकते हो, इसके माउथ और टेंटिकल्स हैं जो ऊपर वाली साइड है एंड ऑरेला ऑन द अदर हैंड अम्ब्रेला की तरह दिख रहा है। इसका माउथ भी नीचे वाली साइड और इसके टेंटिकल्स भी नीचे वाली साइड को अलाइंड है। नाउ ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मेटाजेनेसिस। ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? पॉलिप का मेड्यूजे, मेड्यूजे का पॉलिप में कन्वर्ट होना, दीज आर नोन एज द ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। इट इज अ फिनोमिनन शोन बाय सम नाइडेरियंस इन विच पॉलिप्स प्रोड्यूस मेड्यूजे एसेक्सुअली एंड मेड्यूजे फॉर्म्स द पॉलिप सेक्सुअली। इसका मतलब क्या होता है कि पॉलिप क्या कर रहा है? वो पॉलिप एसेक्सुअली मेड्यूजा प्रोड्यूस कर रहा है एंड मेड्यूजा आफ्टर डूइंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो पॉलिप प्रोड्यूस कर रहा है। इसके एग्जांपल है ओबेलिया। ओबेलिया इज द एग्जांपल ऑफ नाइडेरिया। यूनिक फीचर ऑफ नाइडेरियंस में एक और चीज आती है, दैट इज कोरल्स। कोरल्स हैव स्केलेटल मेड अप ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमें पता है। कोरल्स कहाँ पे मिलते हैं? कोरल नाइडेरियंस ही होते हैं जो सी में मिलते हैं, हमें बेसिकली एक्वाटिक हैबिटेट में मिलते हैं। इनकी जो भी अलाइनमेंट होती है
ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक शेल लाइक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है उनमें, एंड उसके ऊपर बहुत सारे डिजाइन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरल। एज यू कैन सी देर आर डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ कोरल। दिस इज द मशरूम कोरल, दिस इज द ब्रेन कोरल, दिस इज मेड्रिपोरा, ट्यूबेपोरा एंड अदर काइंड ऑफ कोरल्स। ये ब्रेन कोरल है जो, उसकी बिल्कुल शेप जो है वो ब्रेन को रिजेंबल करिए, ये आप देख सकते हो। दिस इज अ स्टैग हॉर्न कोरल, ये हॉर्न्स की तरह, स्टैग हॉर्न की तरह ये जो कोरल है वैसा दिखता है। दिस इज नोन एज अ स्टैग हॉर्न कोरल। दिस इज अ टेबल कोरल। As you can see that ये क्या है, ये नाइडेरियन है। नाइडेरियन के ऊपर जैसे कि पॉरीफेरेंस में स्पिक्यूल्स एंड सिलिकॉन की वो थी ना फाइबर्स थे, वैसे ही नाइडेरियंस की जो आउटर स्केलेटन है वो है कोरल्स। अब एक्वाटिक जो प्रिमिटिव छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वाटिक जो जो सीज में रहते हैं, बेसिकली सीज एंड ओशंस में, उनके पास कोई ना कोई टाइप का एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है? ताकि वो अपने आप को, वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द हायर एनिमल्स, प्रेडेटर्स एंड अदर थिंग्स। हियर यू कैन सी दिस इज द ब्रेन कोरल इन डिटेल, सो ब्यूटीफुली अलाइंड जस्ट लाइक अ ब्रेन। दिस इज अ पिलर कोरल, लुकिंग लाइक अ पिलर। It is also very beautiful. It is very beautiful as well as very unique. Now you can see Great Barrier Reef of Australia. This is a kind of water body जहाँ पे हमें बहुत से kinds के corals देखने को मिलते हैं। अब कोई नाम आ गया जियोग्राफिक रिलेटेड टू सम एनिमल, सम ऑर्गेनिज्म, चाहे एनिमल है चाहे प्लांट है, अगर कोई नाम आ गया तो दैट इज इम्पॉर्टेंट इन द व्यू पॉइंट ऑफ एमसीक्यूज। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू में, नीट पॉइंट ऑफ व्यू में, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नाउ अप टू द एग्जाम्पल्स ऑफ नाइजीरिया। नाइडेरिया की एग्जाम्पल है हाइड्रा, ओबेलिया, फाइसेलिया। फाइसेलिया का जो कॉमन नाम है दैट इज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। एडम्सिया का जो नाम है दैट इज सी एनिमोन। यू हैव टू रिमेम्बर दीज नेम्स किसी भी तरीके से आपको, जिसके हाइड्रा तो हमने कितनी बार छोटी क्लासेस में पढ़ा है, टेंथ में भी पढ़ा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एट्थ क्लास में भी पढ़ा है। This is Hydra. Hydra is basically a cnidarian. Cnidarian का polyp form होता है Hydra. Then Obelia जो है that shows the alternation of generation. Physalia का नाम है P for Physalia, P for Portuguese man of the war. Adamsia का नाम है A for Adamsia, A for Anemon. C Anemon है जो Adamsia का नाम है. Penetula जो है pen word है, it is known as the sea pen. पेन लाइक शेप है उसकी, सी में रहता है तो सी पेन। गॉर्गोनिया इज बिल्कुल लुकिंग लाइक फैन, ये बिल्कुल फैन की तरह, पंखे की तरह अपने आप को शो कर रहा है, थस इट इज नोन एज द सी फैन। मियांड्रिना ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल का नाम क्या है, मियांड्रिना। मियांड्रिना इज द वर्ड जो प्रोनाउंसिएशन में मेनिंजस को रिजेंबल कर रहा है। मेनिंजस क्या होती है, लेयर ऑफ द ब्रेन होती है, तो ब्रेन मेनिंजस बेसिकली वर्ड जो होता है दैट इज इन द रेफरेंस ऑफ द ब्रेन, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ फाइलम, है ना, जैसे कि पॉरीफेरा थे, पॉरीफेरा में हमने सारे स्पॉन्जेस पढ़े थे, यू स्पॉन्जिया थे, स्पॉन्जिला थे, लाइक दिस। और नाइडेरिया में हम हाइड्रा, फाइसेलिया, एडेम्सिया, पेनेचुला ये सब पढ़ रहे हैं। आई नो दिस इज डिफिकल्ट फॉर यू, बट क्या करना पड़ेगा, आपको एक चार्ट लगाना पड़ेगा, उस चार्ट में जितने जितने एग्जाम्पल्स हैं, एनसीईआरटी वाले मेनली कर लो,
एनसीईआरटी वाले जो मेनली एग्जांपल्स हैं वो लिख के उसको पॉइंट अप कर दो एक वॉल के ऊपर एंड देन यू एबल टू डू दिस. रिमेम्बर दिस, एक नहीं दो दिन नहीं तीन दिन नहीं 15 दिन में 20 दिन में 25 दिन में तो याद हो ही जाए. Now let us revise up the phylum Cnidaria at a glance. Organization का grade क्या है? Tissue. Symmetry is radial. Germ layers are diploblastic. Two germ layers होती हैं. Ectoderm and endoderm. Acoelomate. Coelom is not present. It is acoelomate. Habitat and habit. They are aquatic, sessile or free swimming. ये अकेले सॉलिटरी भी ग्रोन कर सकते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में भी ग्रो कर सकते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही ओपनिंग प्रेजेंट है. इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर बोथ टाइप की डाइजेशन जो है वो Cnidarians में प्रेजेंट होती है. रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट. सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो एब्सेंट. पॉलिप रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बडिंग. And medusa reproduces sexually by separate sexes. External fertilization है, development is indirect, that is larval stages are formed. Cilantron क्या होती है? Unique features में cilantron is the cavity that is present in Cnidarians. Tentacles present है nidoblast के ऊपर. Tentacles के ऊपर nidoblast जो है poison containing cells है वो present है. माउथ जो उनकी ओपनिंग होती है एक ही माउथ होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम बोला जाता है. पॉलिप एंड मेड्यूजा फॉर्म देखने को मिलते हैं, ये सिर्फ Cnidarians में देखने को मिलते हैं. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, मतलब कि पॉलिप फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू मेड्यूजा बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअली मेड्यूजा क्या प्रोड्यूस कर देता है? पॉलिप प्रोड्यूस कर देता है. कोरल्स के पास स्केलेटन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का. बहुत डिफरेंट टाइप के कोरल्स होते हैं ये हमने देख लिया. अब हमने फर्स्ट फाइलम किया था पोरिफेरा, उसमें थे स्पॉन्जेस. सेकंड फाइलम कर लिया हमने Cnidaria, इसमें हमने क्या देखा है? देयर आर कोरल्स. इसमें हमने कोरल्स के बारे में पढ़ा. नाउ द एग्जांपल, एग्जांपल्स आर हाइड्रा, ओबेलिया, ऑरेलिया, फाइसेलिया, एडम्सिया, पेनिचुला, गॉर्गोनिया एंड मियांड्रिना. Now the phylum Ctenophora. Phylum Ctenophora is the phylum of jellyfishes, pond jellies, or sea worms. अब आप समझ सकते हैं कि comb-like shape होती हैं. इनके tentacles basically इस तरीके से aligned होते हैं कि बिल्कुल comb-like shape show करते हैं. या हम इनकी shape के basis पे इनको sea walnuts भी बोल सकते हैं. ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था, पॉलीफेरा में सेलुलर था, Cnidaria में टिश्यू था एंड Ctenophora में भी टिश्यू था. ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू. द सेल्स आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म टिश्यूज बट टिश्यूज डू नॉट एग्रीगेट टू फॉर्म ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम. ठीक है. सिमेट्री इज द रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री इज प्रेजेंट इन द फाइलम Ctenophora. द ऑर्गेनिज्म कैन बी रेडियली कन्वर्टेड इनटू इक्वल टू हाफ बाय वेरियस डिफरेंट एंगल्स. जर्म लेयर्स आर डिप्लोब्लास्टिक. देयर आर टू जर्म लेयर्स प्रेजेंट, एंडोडर्म एज वेल एज एक्टोडर्म. ये भी हमें पता था. एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, देयर इज प्रेजेंस ऑफ नो टू सिलोम. That is mesodermally lined. तो कोई भी सीलोम नहीं प्रेजेंट है, एसिलोमिक ऑर्गन्स है. Exclusively marine, solitary and pelagic. Exclusively marine का मतलब only marine habitat में find होते हैं. Corals भी हमने पढ़ा था कि फ्रेश वाटर में, रिवर्स में, लेक्स में देखने को मिल सकते हैं. Poriferans के बारे में भी पढ़ा था, जैसे कि स्पॉन्जुला इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. बट इन द केस ऑफ Ctenophora दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन. दे आर ओनली फाउंड इन द मरीन हैबिटेट, सीज, ओशंस में ही
पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम इज अगेन इनकम्प्लीट सेम एज दैट ऑफ नाइडेरिया. वन ओपनिंग दैट इज हाइपोस्टोम इज प्रेजेंट. डाइजेशन इज इन बिटवीन द सेल दैट इज इंट्रासेलुलर और आउटसाइड द सेल दैट इज एक्स्ट्रासेलुलर. Respiratory system is absent, circulatory system is also absent. Reproduction. जैसे हमने पढ़ा था कि asexual reproduction is present in the polyp form of cnidarians. Pinophora में कोई भी ऐसी asexual reproduction का form नहीं present होता है. The reproduction is only sexual. The organisms are hermaphrodite. The organisms are hermaphrodite, मतलब एक ही organism में दोनों sexes present है, male and female. The fertilization takes place externally and the development is indirect through the larval stages. Fertilization है वो external है and development is indirect, that is larval stages जो है वो आती है. Unique features. Unique features में 8 vertical external rows of ciliated complexes. ये जो है complexes होती हैं. दो complexes आप देख सकते हो. इसके ऊपर बहुत सारे cilia present हैं. Comb shape में. तो इसको 8 vertical regions में ये present है. ये इनका unique feature है जिसकी वजह से इसको comb jelly बोला जाता है. इनमें भी जो होते हैं tentacles जो हैं present होते हैं. अब ये देखो, ये आपको पूरी बॉडी दिख रही है. दिस इज द होल बॉडी दैट यू कैन सी ऑफ कॉम्ब जेली. कॉम्ब जेली की ये पूरी बॉडी है. इसके ऊपर 8 वर्टिकल रोज है. 1, 2, 3, 4, 5 एंड फर्दर 8. 8 वर्टिकल रोज ऑफ सीलिया प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये मूव कर पाता है, जिसकी वजह से ये कॉम्ब लाइक शेप शो करता है. एंड ये जो है दीज आर द टेंटिकल्स दैट आर प्रेजेंट. Now, bioluminescence क्या होता है? Bioluminescence is a property through which the body of the organisms shows emission of light. Light emit करती है body of the organism. इसको bioluminescence बोलते हैं. And tenophores are the organisms that show bioluminescence. इनमें कुछ ऐसे enzymes या बेसिकली लाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो अंधेरे में ग्लो करते हैं, जिसको हम बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं. दैट इज अ यूनिक फीचर ऑफ टीनोफोर्स. हमने नाइडोप्लास्ट के बारे में पढ़ा था. हमने नाइडोप्लास्ट के बारे में पढ़ा था कि नाइडेरिया में नाइडोप्लास्ट प्रेजेंट है. पॉरिफर्स में हमने क्वानोसाइट्स के बारे में पढ़ा था. इन द सेम वे यहाँ पे हम कॉम स्ट्रक्चर्स के बारे में एंड बायोल्यूमिनेसेंट सेल्स के बारे में पढ़ेंगे. एवरी फाइलम, एज यू कैन सी, एवरी एनिमल, एवरी फाइलम इज कंसिस्टिंग ऑफ सम यूनिक फीचर्स, जिसकी वजह से उनको ये नाम, कॉमन नेम दिया जाता है. सी, यू कैन सी हियर कि ये बायोल्यूमिनेसेंट सेल्स हैं जो ग्लो कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ लाइट. ये क्या है? ये भी बायोल्यूमिनेसेंट सेल्स हैं जो ग्लो कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ लाइट. सो दैट वाज ऑल अबाउट द फाइलम टीनोफोरा. बेसिकली टीनोफोरा में स्ट्रक्चर, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. Symmetry is radial. Germ layers जो हैं, दो germ layers present होती हैं. Diploblastic बोला जाता है इसको. Acoelomate है because there is no coelom present. Exclusively marine habitat है. Solitary and pelagic. Solitary grow करते हैं, pelagic grow करते हैं. Free swimming basically. Digestive system is present but it is incomplete. Respiratory system and circulatory system is absent.
रिप्रोडक्शन इज ओनली सेक्सुअल, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. All the organisms are hermaphrodite and show external fertilization and development is indirect, that is through the larval stages. Locomotion क्या है ये show करते हैं, sessile form नहीं है, attached form नहीं है, free swimming form है. Locomotion is shown by comb plates and tentacles are also present and they show bioluminescence, मतलब कि glow करने वाले cells इनमें जो है वो present होते हैं. For example, Tenoplana and Pleurobranchia. And साथ ही साथ में आप डायग्राम्स भी देख ही सकते हो कि सारी डायग्राम्स गिवन है. Now, Platyhelminthes. Phylum Platyhelminthes means flat worms. Platy word is arisen from plate. Plate का मतलब होता है flat. ये वो वाले worms होते हैं जो होते हैं बिल्कुल flat दिखने में, जिनकी बॉडी होती है बिल्कुल फ्लैट. दे आर नोन एज फ्लैट वॉर्म्स और Platyhelminthes. Platy का मतलब प्लेट लाइक फ्लैट एंड हेलमेंट्स का मतलब वॉर्म्स. नाउ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन Platyhelminthes इज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. इनमें ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है एंड ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम्स भी बना रहे हैं. ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज organ and organ system. इसके example planaria. Planaria हमने बहुत बार पढ़ा है fragmentation में and regeneration में कि asexually ये क्या है, reproduce करने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है. So planaria is a thing that you have to remember, that is a Platyhelminthes और इसको flatworm बोलते हैं. On the other hand there is tapeworm. टेपवर्म क्या है, ये टेप की तरह बिल्कुल फ्लैट होता है, ये बहुत ही लंबा वर्म होता है, इसलिए इसको टेपवर्म बोला जाता है. एंड टेपवर्म वही है, मिट्टी खाने से जो कीड़े हमारे पेट में चले जाते हैं, दे आर द टेपवर्म. ये वही कीड़े हैं. ये किस फाइलम को बिलोंग करते हैं, Platyhelminthes को. अब जैसे जैसे आपके सामने एग्जाम्पल्स आ रही है, यू हैव टू रिमेम्बर द नेम्स, यू हैव टू रिमेम्बर द नेम्स अलॉन्ग विद द फाइलम एंड अलॉन्ग विद द कॉमन नेम्स. बाइलेटरल सिमेट्री, ये देखो काट के दिखाया हुआ है प्लेनेरिया को कि हम इसको एक एक एंगल से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक एंगल की जगह और किसी भी एंगल से हम इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते. देन कम्स द जर्माइनल लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक. Platyhelminthes से शुरू हो जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक का काम. यहाँ पे थ्री जर्म लेयर्स का काम होना शुरू हो जाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. यहाँ पे एंडोडर्म की स्पेलिंग गलत है, प्लीज इग्नोर इट, एंडोडर्म आएगा यहाँ. बॉडी कवरिंग है जो सारी वो एक्टोडर्म से फॉर्म होती है. टिश्यू फिल्ड रीजन जो होता है, टिश्यू के बीच वाला रीजन जो होता है, दैट इज फॉर्म फ्रॉम द मेसोडर्म. एंड ऑल द जो हमारे विजरल ऑर्गन है, सारे सेंसिटिव ऑर्गन है, बेसिकली अंदर वाले ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम है, दैट आर डिराइव फ्रॉम द एंडोडर्म. बाहर वाली लेयर सारी एक्टोडर्म फॉर्म कर रहा है, बीच वाली लेयर सारी टिश्यूज के बीच वाली लेयर जो है वो मेसोडर्म फॉर्म कर रहा है, एंड टिश्यूज को बेसिकली एंडोडर्म फॉर्म कर रहा है. सो दैट वाज अबाउट Platyhelminthes. सिलोम है, एब्सेंट होती है बिकॉज इनमें कोई भी किसी भी काइंड की सिलोम नहीं प्रेजेंट होती. टू सिलोम इज एब्सेंट. एंडोडर्म है जो मतलब गट है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और मसल लेयर के अंदर एक लेयर होती है, इसको मेसेनकाइम बोलते हैं, मेसोडर्म की बनी होती है, बट इट इज नॉट द ट्रू सिलोम. एंड आउटर लेयर जो होती है दैट इज द एक्टोडर्म. नाउ हैबिट एंड हैबिटेट, ये होते हैं एक्वाटिक. कई एक्वाटिक मतलब फ्रेश वाटर हो सकते हैं, मेरीन वाटर हो सकते हैं, किसी भी टाइप के पानी में मिल सकते हैं. ये होते हैं Platyhelminthes एक्वाटिक, मतलब पानी जहां पे थोड़ा बहुत भी है वहां पे Platyhelminthes कर सकते हैं ग्रो. बहुत सारे Platyhelminthes आर नोन टू कॉज डिसीज, दे आर लिवर फ्लूक, टेपवर्म. लिवर फ्लूक एंड टेपवर्म इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, जो डिसीज कॉज करते हैं. They are parasitic.
पर कई प्लैटीहेलमिंथस ऐसे भी हैं जो फ्री लिविंग है, दे आर नॉट पैरासिटिक, नाइदर किसी पे डिपेंड भी नहीं है. Digestive system is incomplete again. Only a single opening is present which act as mouth and anus. ये क्या है? ये mouth and anus की opening है, इसको hypostome ही बोल सकते हैं. और ये क्या करती है? ये directly absorb करती है blood, blood में blood absorb करके ये nutrients directly absorb कर लेती है. This is the pharynx and this is the whole body, जिसके through इसमें पूरा न्यूट्रिशन चला जाता है. Then there is respiratory system, क्योंकि ये क्या है? ब्लड अब्सॉर्ब कर रही है, ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की इसको जरूरत नहीं है. रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, ठीक है. एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो एब्सेंट, क्योंकि डायरेक्टली ब्लड एब्सॉर्ब करके इसकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है अपने आप, तो इसको सर्कुलेटरी सिस्टम की भी कोई जरूरत नहीं है. इसमें खुद में तो ब्लड होता नहीं है, जहां पे भी ये रह रही है वो वही जो भी चीज है, चाहे वाटर है चाहे ब्लड है, तो वो उसमें सर्कुलेट होने के बाद न्यूट्रिएंट्स पहुंचा देता है. सो देयर इज नो नीड ऑफ दिस. नाउ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्रेगमेंटेशन, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू ऑफकोर्स टू सेक्सेस. Now, जो प्लैटीहेलमिंथस होते हैं, जो वॉर्म्स होते हैं, फ्लैट वॉर्म्स, दे आर हर्माफ्रोडाइट, मींस दे आर हैविंग बोथ द सेक्सेस इन सेम ऑर्गेनिज्म. अगेन द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. बाकी सब में हमने नाइडेरियंस एंड टीनोफोर्स में क्या पढ़ा था कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन थी, इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, बट डिवेलपमेंट जो है दैट इज इनडायरेक्ट. लार्वल स्टेजेस इनमें भी प्रेजेंट है. स्पॉन्जेस में भी अब तक हमने पढ़ा है कि लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट है, इनडायरेक्ट थी. नाइडेरियंस भी इनडायरेक्ट है, टीनोफोर्स भी इनडायरेक्ट है, प्लैटीहेलमिंथस भी इनडायरेक्ट है. एंड प्लैटीहेलमिंथस की एक चीज है कि यहाँ पे बहुत सारी लार्वल स्टेजेस फॉर्म होती हैं. यूनिक फीचर. यूनिक फीचर में क्या है कि इनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल अनसेगमेंटेड होती है, डॉर्सो वेंट्रल होती है, एंड फ्लैटेंड बॉडी होती है, बिल्कुल फ्लैटेंड बॉडी होती है इनकी, बिल्कुल फ्लैट होती है. बट जो टेप फॉर्म होते हैं थोड़ा सा राउंड शेप वो शो कर देते हैं, एंड राउंड शेप शो करने के बावजूद वो थोड़ी बहुत यहाँ पे आप देख सकते हो कि देयर आर नेगेटिव स्यूडो फॉल्स सेगमेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट. बाकी किसी भी प्लैटीहेलमिंथस में अनसेगमेंटेड बॉडी होती है एंड बिल्कुल फ्लैट बॉडी होती है, जिनकी वजह से इनको फ्लैट फॉर्म बोला जाता है. प्रोटोनेफ्रीडिया सेल्स. टीनोफोर्स में क्या था? टीनोफोर्स में बायोल्यूमिनेसेंट सेल्स थे, और प्लैटीहेलमिंथस में क्या है? प्रोटोनेफ्रीडियल सेल्स हैं, फ्लेम सेल्स बोलते हैं इनको. ये एक्सक्रीशन में काम करते हैं. दीज आर द फर्स्ट सेल्स टू बी फाउंड इन प्लैटीहेलमिंथस, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का काम करते थे. अंडरस्टूड? फ्लेम सेल्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस फाइलम में प्रेजेंट है, क्यों प्रेजेंट है. इसका दूसरा नेम क्या है? प्रोटोनेफ्रीडिया. नाउ हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म. पैरासिटिक जो फॉर्म होते हैं, जैसे टेपवर्म हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, इन्होंने क्या करना होता है? इन्होंने ब्लड सक करना होता है बेसिकली. ये इंटेस्टाइन के अंदर जाके चिपक जाते हैं, हुक्स एंड सकर्स के थ्रू चिपक जाते हैं. हुक्स उनको चिपकने में हेल्प करता है, सकर्स क्या है? वो सक करने में, ब्लड एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. Some absorb nutrients from the host through their body surface. कई organisms क्या है, वो body surface से अपने host से जो है nutrients absorb कर लेते हैं. Body surface मतलब ऊपर से, और कई लोग क्या, ऊपर से मतलब from the skin, skin से ही वो blood है वो absorb कर लेते हैं. कई parasitic organisms ऐसे होते हैं. इसके एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ दीज आर ऑफकोर्स टीनियासोलियम. टीनियासोलियम इज द नेम ऑफ द टेपवर्म. फेशियोला. फेशियोला इज द नेम ऑफ लिवर फ्लूक. एंड प्लेनेरिया. प्लेनेरिया इज द नेम ऑफ अनदर फ्लैटवर्म दैट शोज ट्रू रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन.
let us talk about kingdom Platyhelminthes at a glance. Grades of organization is organ and organ system. Symmetry is bilateral. Germ layers are triploblastic. Three germ layers are present. Coelom is absent. They are aquatic and endoparasites. Some organisms are free living. Digestive system is present, that is incomplete. Respiratory and circulatory system is absent. Reproduction is taking place with the help of fragmentation and sexually with the help of sexes. Hermaphrodite animals hai. Hermaphrodite animals ke case mein kya hota hai? Ki do sexes hote hain, wo different separately present hote hain. Fertilization is internal. Development is indirect. There are many larval stages present. Unique feature of this organism is that the body is unsegmented. Jo flatworms hote hain, they have the flattened body, dorsoventrally flattened. Excretion is occurring with the help of flame cells. Flame cells are also known as protonephridia. Parasites ke paas hooks and suckers hote hain. To attach to the body of the substratum, body of the host ko attach karne ke liye, suckers kya karte hain? Blood suck karte hain unme se. And some absorb nutrients from the host through their body surface. कई ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं बॉडी की सरफेस से, मतलब स्किन से डायरेक्टली या इंटेस्टाइनल सरफेस से डायरेक्टली क्या है वो ब्लड को अब्सॉर्ब कर लेते हैं. नेक्स्ट इज देयर एग्जांपल्स. एग्जांपल्स आर टीनिया सोलियम, टेपवर्म एंड प्लेनेरिया. टीनिया सोलियम, लिवर फ्लूक, फिशियोला एंड प्लेनेरिया. यूनिक फीचर में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडिया सेल्स हैं जो वो प्रेजेंट होते हैं. प्रोटोनेफ्रीडिया सेल्स आर द एक्सक्रीटरी सेल्स जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को इकट्ठा करते हैं. नाउ दीज आर आईज. बेसिकली आईज होते हैं, ये ब्लाइंड ही होते हैं, बट देयर आर आईज लाइक स्ट्रक्चर that help them to accommodate up to some extent. Then the excretory ducts are present. Excretory duct, excretory pores say with the help of flame cells kya kar dete hain, excretion mein help karte hain. And protonephridia are present jiski help se jo excretory product hai wo body se bahar nikal jata hai. This is the structure of a flame cell jo inhone show kiya hua hai. Flame cell ke andar न्यूक्लियस होता है, सेल ल्यूमेन होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीटरी पोर होता है जिसकी वजह से एक्सक्रीटरी डक्ट से ये क्या करते हैं, सारा एक्सक्रीटरी मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं. देन एक्सक्रीटरी पोर की हेल्प से ये क्या करते हैं, सारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, बाहर फेंक देते हैं. टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द राउंड वर्म्स. दे आर एस्केल हेलमिंथस. सो थैंक यू फॉर नाउ.